प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाइडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कोविड 19 की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने ध्वजारोहण किया। गांधी हाल में जिलाधिकारी व मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। इस अवसर पर जीजीआईसी आजमगढ़ की छात्राओं द्वारा महात्मा गांधी के भजन और जवानों को समर्पित भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने गांधी जी के जीवन संघर्ष, देश की सेवा व उनके जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला। इसी के साथ ही विशेष रूप से निर्बलों के कल्याण संबंधित अंत्योदय की उनकी अवधारणा, भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता व अखंडता के संबंध में उनके विचारों को संक्षेप में बताया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सभी लोगों को गांधी जी के जीवन दर्शन से सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब भी हम कभी निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति में हों तो हमें यह देखना चाहिए कि जो निर्णय लेना है उससे उसका क्या प्रभाव होगा, तब हम सही निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के दर्शन, सत्य, अहिंसा, संयम, आत्मविश्वास को अपनाकर हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि आने वाली युवा पीढ़ी को संयम, अनुशासन बताया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों कर्मचारियों से कहा कि जब भी कोई ज़रूरतमंद हमारे पास आए तो हम उनकी समस्या को सुनकर
उसका निस्तारण करें। हम सभी को अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहने की जरूरत है, अपने दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक करने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 5 दिव्यांगजनों को 5 ट्राई साइकिलों का वितरण किया गया, जिसमें प्रमोद भारती ग्राम ककरहटा सदर, पुष्पा देवी ग्राम बमहोर सठियाओं, माधुरी ग्राम लखेसर महाराजगंज, गौरी शंकर ग्राम छिड़ी बिलरियागंज और राहुल ग्राम पाती बुजुर्ग बिलरियागंज को ट्राई साइकिल प्राप्त हुई। उसको हमें अपने जीवन में हर स्टेप पे जहाँ हमें दिक्कत हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, ये चीज़ आप करते देखेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। आप कभी भी आपको ये मन में दुख नहीं रहेगा कि मैंने गलत किया, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को जानने की कोशिश की और आपके 99% इस काम के निर्णय जो होंगे वो बिल्कुल सही है। ये सबको अपने जीवन में उतारा है। बच्चों छात्राएं जो हमारे यहाँ क्लास आज उपस्थित है, आप लोग भी आगे जीवन में पढ़ना है तो आप लोग एक चीज देखनी पड़ेगी। दो तीन चीजें हमारे आज के जन्म गांधी जी शास्त्री जी दोनों ने देश के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप देखें संयम, अहिंसा और दृढ़ संकल्प, तीन चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है किसी को भी कोई किसी भी अपने जो आपने अपना एक एम बनाया है उसको पूरा करना। आपका सबसे इम्पोर्टेंट संयम आज की तारीख में भी देखें कि आजादी की लड़ाई में देखें संयम जिस संयम से गांधी जी ने पूरा एक देश को दिशा दी, वो लाठिया खाई वो सुशासन पास हुआ उसकी काफी परिचय है, उन्होंने हिंसा का बिल्कुल साथ नहीं दिया। इसी चीज को अंग्रेज लोग समझ नहीं पाए कि अहिंसा इससे कैसे हिंसा को तो हिंसा दबा दे, वो हिंसा करेगा उसको मारता है कर देंगे जेल में भेज देंगे तो उसको दबा सकते हैं, अहिंसा को कैसे दबा। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने आयुक्त कार्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सामूहिक रूप से राष्ट्रगान हुआ। आयुक्त कार्यालय के सभागार में अपर आयुक्त प्रशासन श्री मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित हुए समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहे हैं। देश की यह दो महान विभूतियाँ समान रूप से सादगी पसंद थीं। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना गांधी जी का सपना और उद्देश्य था। गांधी जी के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आह्वान किया कि गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपर आयुक्त ने कहा कि गांधी जी ने स्वच्छता के मूल्यों को बरसों पहले ही बता दिया था, जो आज हमारे देश में एक मिशन के रूप में संचालित है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केवल सरकारी तंत्रों पर ही आश्रित रहना उचित नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक को इसमें अपनी सहभागिता और जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। गांधी शास्त्री जयंती के अवसर पर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों, मजदूरों की बुनियादी समस्याओं को लेकर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह के नेतृत्व में जय जवान जय किसान सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, लेकिन प्रशासन की बिना अनुमति के सत्याग्रह करना संगठन को महंगा पड़ा। सत्याग्रह की जानकारी मिलते ही SDM सदर गौरव कुमार व COCT राजेश तिवारी के साथ ही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह सहित सत्याग्रह कर रहे 25 अन्य लोगों को जबरन हटा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 6 लोगों को पुलिस जीप में बैठाकर हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई। SDM सदर गौरव कुमार ने बताया कि सत्याग्रह को प्रशासनिक अनुमति नहीं दी गई थी, बगैर अनुमति के सत्याग्रह करने के कारण धारा 144 व महामारी एक्ट का उल्लंघन हुआ है, इसलिए संगठन के 6 लोगों को कोतवाली ले जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोई राष्ट्रवादी युवा मंच के कुछ लोग थे और बिना अनुमति के इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, तो कल ही जो है इनको लिखित में अनुमति नहीं दी गई थी
धारा 144 लागू है जनपद में और कोरोना के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का कंपल्शन है, तो ये सब वायलेशन के दृष्टिगत अनुमति नहीं दी गई थी इन लोगों को, फिर भी इन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया तो उसी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 25 के करीब लोग थे, 6 लोग उनमें से जो है उनको थाने भेजा गया है और उनके विरुद्ध लगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर रैदपुर क्षेत्र स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भाजपा जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के साथ रामाधीन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा घनश्याम सिंह पटेल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, प्रेम नारायण पांडे, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया और स्वच्छता कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छ, सुंदर व समृद्ध भारत का जो सपना देखा था उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का बीड़ा उठाया है और पूरे देश को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए उन्होंने इसे एक जन आंदोलन बनाया है। स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है और स्वच्छ भारत मिशन का असर भी दिखाई दे रहा है। भारत खुले में शौच से मुक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी देश के दूसरे गांधी हैं। इस अवसर पर भाजपा जनों ने गांधी प्रतिमा के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया, उसके बाद रैदोपुर दलित बस्ती में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता की जयंती पर जनपद के गांवों में भाजपा जन स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो सत्याग्रह के माध्यम से इस देश को आज़ादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, ऐसे राष्ट्रपिता की आज जन्म जयंती है। उनके जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर जिला प्राधिकारी से लेकर मंडल अध्यक्ष तक आज परंपरा के अनुसार इस रैदोपुर चौराहे पर महात्मा गांधी जी के मूर्ति पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, उनके चरणों में नमन किया। इसी के साथ साथ आज अपने आजमगढ़ लोकसभा के सभी गांवों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज सफाई अभियान किया जा रहा है। अभी हम सब लोग इसकी शुभारम्भ भी बगल में रैदोपुर में जो दलित बस्ती है इसमें हम लोग अभी करके इस अभियान को सुचारू रूप देंगे, जो उनका सपना था महात्मा गांधी जी का, अपना भारत स्वच्छ हो, अपना भारत सुंदर हो, अपना भारत अच्छा हो, उस सत्यम शिवम सुंदर का सपना जो उनका था उनको पूरा करने के लिए आज हमारे देश के दूसरे गांधी जी जो मोदी जी हैं, इस देश के सशी प्रधानमंत्री योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उस सपने को साकार कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को किसान मजदूर बचाव दिवस के रूप में जिला मुख्यालय व जनपद के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर मनाया। जनपद मुख्यालय पर हुए कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव मणिन्द्र मिश्रा उपस्थित रहे। कांग्रेसजनों ने सर्वप्रथम कांग्रेस कार्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया, नमन किया। उसके उपरांत कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकाला, नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह सहित कांग्रेसजनों ने माल्यार्पण किया। रादोपुर होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर किसान विरोधी अध्यादेश के विरोध में धरना दिया और किसान विरोधी कानून को वापस लिए जाने की मांग की। महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार जब से बनी है लगातार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। नए किसान अध्यादेश से किसानों की
एमएसपी छिन जाएगी और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए पूंजीपतियों का गुलाम बनना होगा। देखिए आज तो महात्मा गांधी जी की जयंती है जिसने देश को आज़ादी दिलाई, जो वैश्विक पुरुष थे जिनको हमने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया है, और आज ही के दिन किसानों के नेता गरीबी से निकले हुए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। आज उनकी जन्मतिथि तो हम हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन आज विशेष इसलिए है कि आज एक ऐसी सरकार सत्ता में आई है जिसका मतलब गरीबों से नहीं है, जिसका मतलब बेरोजगारों से नहीं है, जिसका मतलब किसानों से नहीं है। अगर उसका मतलब है तो अपने एजेंडे से मतलब है, किस तरीके से देश के प्रतिष्ठित संस्थानों को बेच सके, किस तरीके से गरीबों को और गरीब बना सके, किस तरीके से मध्यम वर्गीय की जो बढ़ती आमदनी है उसको समाप्त कर सके, किस तरीके से किसानों को बर्बाद कर सके। ऐसे में उन्होंने किसान जो बिल पारित किया है, जो काला कानून है, जो किसानों के हित का कानून है, जो किसानों को बर्बाद करने का कानून है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने स्वराज का सपना देखा था, उन्होंने कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आज उस किसान पर प्रहार कर रही है सरकार। इसलिए आज ये जन्मतिथि उनकी विशेष मायने रखती है। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम देश की सरकार से मांग करते हैं कि आप महात्मा गांधी के सपनों का भारत अगर बनाना चाहते हैं, अगर आप लाल बहादुर शास्त्री के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो आपको किसानों के बिल को वापस लेना पड़ेगा, और जो अत्याचार अपराध और कानून व्यवस्था जो भंग हो रही है इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोगों ने इन उद्देश्यों से जन्मदिन इस किसान मजदूर के उद्देश्य से मनाई थी, किसान मजदूर दिवस के रूप में। आजमगढ़ के जहानागंज थाना पुलिस ने अपहरण कर किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि 30 सितंबर को पीड़िता की मां ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में शिकायत दर्ज कराई थी कि जोगी बनवासी पुत्र लालचंद बनवासी ग्राम परसुपुर थाना जहानागंज व दो अन्य व्यक्ति उसके सामने उसकी 16 वर्षीय बेटी का अपहरण करके उठा ले गए और धमकी दे रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने जहानागंज थाना पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया था। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जोगी बनवासी को मोती सिंह कुशवाहा पुत्र बालेश्वर कुशवाहा निवासी जगदीशपुर थाना जनपद गाजीपुर में स्थित भीमापार ईंट भट्टे से गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सामाजिक उत्पीड़न विरोधी मोर्चा आजमगढ़ के तत्वाधान में गांधी तिराहा रैदोपुर स्थित उनकी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया गया। देश में कानून व्यवस्था के हो रहे खात्मे, महिलाओं मासूम बच्चियों का गिरोहबंद, गैंगरेप व तेजी से बढ़ रहे जघन हत्याओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। धरने को समाप्त करते हुए दुखहरण राम ने कहा कि गांधी जी अहिंसा और शांति के पुजारी थे, वह गरीबों के उत्थान और महिला सुरक्षा की बात करते थे, लेकिन आज देश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ बोलने वाले शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस प्रशासन व्यवस्था लगातार जेल में डाल रहे हैं, फर्जी FIR की धमकियां दे रहे हैं। संगठन के सह संयोजक डॉक्टर रविन्द्रनाथ राय ने कहा कि गांधी जी महिलाओं को सुदृढ़ व सहृदय मानते थे, उनके ऊपर हो रहे उत्पीड़न की बात करते थे, लेकिन हाथरस की घटना ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि देश में गरीब वर्ग के लोगों का आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम व्यवस्था भी समाप्त हो चुकी है। पुलिस प्रशासन सरकार और न्यायालय सब मिलकर कमजोर वर्ग के खिलाफ है। गांधी जयंती के अवसर पर हम लोगों ने गांधी प्रतिमा के पास जो देश में सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा और पूरे शासक वर्ग के द्वारा जो गरीबों पर, मजलूमों पर, महिलाओं पर जो जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिए। हम लोगों का मकसद यह था कि गांधी जी ने देश में अमन चैन की कामना की थी, अहिंसा की कामना की थी। आज इस देश में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो हो रहा है, वो जघन्य अपराध जो हो रहा है, उसमें कहीं भी अहिंसा नहीं है और कहीं भी कोई न्याय की बात नहीं है। सरकार, न्यायालय और पुलिस सिस्टम के जितने भी अंग हैं, सब एक साथ होकर के गरीबों का, महिलाओं का, मजलूमों का उत्पीड़न कर रहे हैं और कोई भी सुनने वाला नहीं है। जिस तरह से हाथरस में मनी बच्ची को जल मारा गया, गैंगरेप किया गया, और उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई काल्पनिक ढंग से, जो पुलिस ने
अपनी रिपोर्ट लगाई, फाइनल रिपोर्ट लगाई और उसके बाद लास्ट में अंत में जो उसको बिना उनके माता पिता के उपस्थिति के जो ज़बरदस्ती पुलिस के द्वारा दफना दिया गया, गाड़ी के सामने माँ सर पटकती रह गई लेकिन बच्ची का मुंह माँ नहीं देख पाई, पिता नहीं देख पाए। इतना जघन्य अपराध इस देश में हो रहा है आज, इसीलिए हम लोग पूरे देश को बताना चाहते हैं, आजमगढ़ की जनता को बताना चाहते हैं, गांधी का सपना ऐसे भारत के निर्माण का नहीं था। अहिंसा के पुजारी थे वह और आज इस देश में जो बच्चियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, पूरे देश में आजमगढ़ से लगाया हाथरस तक, दिल्ली तक, सारे पूरे देश में जो कुछ भी हो रहा है वह सामाजिक उत्पीड़न विरोधी मोर्चा के हम सभी साथी उसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वो अपने रवैया में परिवर्तन लावे, नहीं तो हम लोग इसका प्रतिरोध करने के लिए हर स्तर पर आज गांधी जी के प्रतिमा के सामने शांतिपूर्ण ढंग से किए हैं, कल हम लोग हर तरह का प्रतिरोध इस सड़कों पर उतरेंगे और इस तरह की घटनाओं की